किन किन लोगों की फटी थी? देखो मेरी तो बहुत फटी थी मेरी से। जॉनी अभी भी प्रोसेस कर रहा है। अरे नहीं पता है गाइस क्या हुआ था? इसका आवाज भी आवाज भी चला गया। देखो आवाज भी चला गया इतना एक टाइम के लिए ना, लिटरली होपलेस चल रहे थे हम कि भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, सब मतलब सब कुछ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अभी उन्होंने साथ दिया फैंस एंड में, भाई जोन भी साथ नहीं दे रहा था कुछ नहीं, एंड फिर एंड में एक ही जोन आया तो हमने वो कन्वर्ट कर लिया एज ए टीम। हमने फिर बैठ के डिस्कस किया ऑन कॉल। पंख को भी बहुत बड़ा लाइक यू नो, उसका बहुत बेचारे ने बहुत वो किया है, उसने भी बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करी है उस चीज के लिए। सारे लोग मेरे टीममेट्स एडमिन हुसैन पंख बेस्ट, मेरे साथ बेस्ट प्लेयर है वो। एंड भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है अभी तक मेरे को अभी तक प्रोसेस कर रहे ना क्या हो रहा है क्या नहीं। लिटरली पता है ये चार दिन बहुत स्ट्रेसफुल था, पता है किन किन लोगों की फटी थी? देखो मेरी तो बहुत फटी थी मेरी से इतनी फटी थी मैं लास्ट में सच बता रहा हूँ। कौन कौन एकदम समझ रहे हो कि बहुत ही ऐसे स्ट्रेस में चला गया था? सच बताओ, सच सच्ची सच्ची, मतलब वो वर्ल्ड कप हारने के बाद वाली फीलिंग। आज मैं खुद से स्ट्रीम किया हूं भाई पहली बार। अच्छा दिमाग में था कि भाई जिस दिन एज ए टीम अच्छा खेल के क्वालिफाई कर लेंगे सीधा लाइव आऊंगा। कैसे हो भाई? हो भाई अभी मैं थोड़ा एनर्जी वगैरह थोड़ी कम होगी मेरे में क्योंकि मैं पागलों की तरह बहुत उछल, मतलब क्या बताऊं, मैं पूरे घर में भाई कूदे जा रहा था मैं इधर से उधर, मम्मी पापा के साथ, क्या ही बोलूं भाई मैं अभी, मतलब कुछ वर्ड्स वगैरह है नहीं, थोड़ा फफला भी जाऊंगा मैं, बट चलता इतना कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग समझ जाना आज भाई की फीलिंग वगैरह जो भी है, बहुत चीज़ें थी मतलब थोड़े दिन पहले ऊपर नीचे दिखाई दे रही थी, बट अभी भाई नीचे दिखाई दे रही थी, बट फील कर रहा हूँ ना भाई मजे आ गए। हाँ भाई रोना आ गया दिल से, गुड लाइक भाई। देखो वैसे मैं भी आज तक रोया नहीं हूँ कभी, देखो मैं लेजिट फर्स्ट टाइम मतलब रोया था, रोया इन द सेंस मतलब वही हंस रहा था लेकिन आँख से आंसू ऑटोमेटिक आए जा रहे थे। सबर वो तो है भाई, जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए तो सबर है भाई बट कुछ लोग भाई तुम में से एक बताऊँगा, कुछ लोग तो है हरामी भाई, मेरे को टैग करके भाई बहुत ताने मारते भाई, डेंजर लोग हो गए तुम लोग तो। थैंक यू पंग भाई फॉर एवरीथिंग भाई, सब ने अच्छा खेला भाई चारों दिनों ने, गॉड ने मोटिवेट किया, जली भाई ने किया, अमर भाई ने किया, सब ने मोटिवेट किया भाई, उन्होंने किया तभी हम इधर आज एक और पड़ाव पार कर लिया। अब आखिरी पड़ाव है उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। आज की तो छुट्टी दी है सबको, अपना एंजॉय करो और सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद लो भाई जिन्होंने अपन को इधर तक पहुँचाया। मेरे को तुम लोग फर्स्ट एड दिलवाओ क्योंकि तुमने भी देखा मतलब मैंने हिल बैठल वगैरह कभी मेरा ऐसे दिमाग में था नहीं कि नौबत आएगी करने की, बट लास्ट टाइम में आनी पड़ी तो करनी पड़ती है। तो एडमिनों का भी यार बहुत अच्छा खेले, धोनी भी अच्छा खेला, सिम भी अच्छा खेला। एंड गाइस स्पेशली भाई मैं सिम के लिए इतना बोलूँगा भाई, बंदा भी छोटा है 17-18 का ही लेकिन बच्चा है अभी, लेकिन बहुत कुछ सीखना है उसको, वो बहुत अच्छा खेला है भाई गाइस। भले उसके किल्स वगैरह कम थे, मुझे पता है तुम लोग होता है कि जिसके ज़्यादा खेल रहते उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, बट मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन मैं सिम को देना चाहूँगा कि उसने बहुत अच्छा खेला गाइस। सिम ओपी कर दो एक बार, उसका रोल हमें पता है, हमारे जितने हम चार जने खेल रहे हैं हम लोग को पता है, वो सपोर्ट में खेल रहा था, बीच बीच में ओवर कमिट भी कर रहा था क्योंकि उसका गेम प्ले ऐसा है, अब ओवर कमिट नहीं करेगा तो वो सिम नहीं रहेगा, वो किस और बन जाएगा। तो कुछ कुछ जगह काम आती है ओवर कमिट, कुछ कुछ जगह नहीं आती, बट वो खेला है ना भाई, उसने प्रूव किया मेंटली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई बंदे। मैं तो भाई काफ़ी लकी हूँ मेरे को ऐसे बंदे मिले हैं, कि किसी का भी ऐसे वो होता है ना कि हिम्मत हारी नहीं किसी ने भी लास्ट तक, सबको पता था कर लेंगे यार, इतना किया राउंड वन में किया, राउंड टू में किया, थ्री में भी किया है, तो फोर में क्यों नहीं, सेमीज में क्यों नहीं कर सकते हम होंगे अभी सब। मैं तो मेरे घर वालों के साथ में था भाई, अभी मैं चिल्लाया तो मैं बताता था एक सीन, जैसे चिकन आया मैं जोर से चिल्लाया एकदम पागल उतर, ये लेट्स गो करके, तो मेरी मम्मी डर गई मेरी मम्मी बोल रही कि ये क्या हो गया, तो मम्मी को तो कैसे झप्पी ले ली, वो मम्मी क्वालिफाई 1.5-2 साल बाद किए हैं पहली बार, ओ भाई सब पागल भाई उधर, मैं क्या बोलूँ। फिर पापा थे उधर किचन में, पापा को जाके झप्पी मार ली, पापा को समझ नहीं आया, पापा को बताया कि आप ऐसे ऐसे BMPS VGS होता है, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया हूँ मैं। पापा भी भाई मतलब पापा को पता तो थोड़ा थोड़ा लेकिन उनके भी ऐसे थोड़ा इमोशनल हो गए कि यार फाइनली तूने कर लिया करके, मतलब क्या ही बोलूं भाई। गुड लाइक पंग गेला है टॉप, नहीं नहीं भाई किसी को भी देखो भाई हिट वगैरह नहीं देनी है भाई, मैं तो देखो सबको रेस्पेक्ट करना सीखो, मैं तो इतना ही बोलूँगा। देखो मैं खुद सबसे सीखा हूँ, मैंने लास्ट स्ट्रीम भी बोला था, वापस से बोल रहा हूँ, एंड स्पेशली भाई वो लोग ऑलरेडी चैंपियंस है, तुम्हें भी पता है इतने टाइम से एक टूर्नामेंट से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट उन्होंने प्रूव किया पास्ट में, मैं इतना बोलूँगा। तो अपन को सबको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, सारी टीम है भाई, जितनी भी टीम है सबको रेस्पेक्ट करो, सबके लिए भाई हार्ड स्पैम करो, जितनी भी टीम है जितनी भी, वो लोग भी डिजर्व करते थे बट कुछ चीज़ें जैसे आगे पीछे हो गया, बट अपन सब जानते हैं भाई
आखिर में है तो इंडिया की टीम, देखो सिंपल बात है, ये हो या वो हो कोई भी अच्छा खेल ले, जहाँ तक सुनने में आगे जाके कुछ इंटरनेशनल वगैरह हुआ तो वो टीम इंडिया जाएगी, ये बात याद रखना, वो टीम ये ओके नहीं जाएगी कि टीम जो भी ABC जो भी करके टीम है, वो टीम इंडिया करके जाएगी, दूसरे टीम के जो भी दूसरे मतलब बंदे हैं इंटरनेशनली उनके लिए टीम इंडिया होंगे अपन, कोई स्पेशल एक स्पेशल नाम नहीं होगा कि भाई ये नाम है ये नाम है करके। दिखाओ स्क्रीन पे, दिखाओ ना बैक कैमरा ऑन करो, एक मिनट रुक जा, वॉइस नोट हाँ पहले, थैंक यू भाई पंक भाई, थैंक यू भाई पंक भाई, लेट्स गो बे एंड वी नो पंक भाई, वो रो रहा है लिटरली, गॉड भाई गॉड, मजा आ गया, बहुत वेट किया भाई बहुत वेट किया जॉनी को लैब देखने पे, लेकिन भाई आज लेट्स गो बे।